अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारी पिछली वीडियो से ही ताल्लुक रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी हिस्ट्री, उसके नंबर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में और उसका स्ट्रक्चर। वहाँ पर हमने जनरलाइज स्ट्रक्चर पढ़ा था नॉर्मली जो अमूमन हम लोग पढ़ते हैं। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री डील करेगा कि हमने उसमें एंजाइम्स पढ़ने के, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने एंजाइम्स होते हैं, मैट्रिक्स की कंपोजिशन पढ़नी है, ठीक है जी। तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने एक आउटलाइन बनाई हुई है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसकी कंपोजिशन अगर हम लोग देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर कुछ कोएंजाइम्स होते हैं जैसा कि NADA, निकोटीन डाइअमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है जी, जो कि क्रैब साइकिल के अंदर NADH में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये डाइन्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा इसके अंदर ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है जी। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फैक्टर्स होते हैं जो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन है उनके लिए ज़रूरी होता है। उसमें क्रैब साइकिल हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो सकती है, उसमें फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हो सकती है, उसमें एंजाइम्स की कन्वर्जन हो सकती है। तो ये जितने भी काम होते हैं इसके लिए कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA और अपने राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA, अपने राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, इसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली कहते हैं। ऐसी ऑर्गेनली जो अपनी कॉपीज, अपना डुप्लीकेशन खुद कर सके, ऐसी ऑर्गेनलीज को हम लोग सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली का नाम देते हैं। और इसके अंदर जो DNA होता है, ठीक है जी, जो जेनेटिक कोड है, इसके अंदर जो जेनेटिक कोड होता है वो डिफरेंट होता है देन न्यूक्लियस, ठीक है जी। जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक कोड्स हैं, ठीक है जी, हमने पढ़े हुए हैं 64 उनकी तादाद होती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जेनेटिक कोड होता है ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है जी। हम लोग जब अगली वीडियो हमारी बायोकेमिस्ट्री में, सेल बायोलॉजी में और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने स्टडी करना है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ना है कि जेनेटिक्स के लिहाज से जो जेनेटिक कोड होता है वो न्यूक्लियस के अंदर 64 कौन कौन से हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जेनेटिक कोड्स हैं, जेनेटिक कोडोन हैं, वो न्यूक्लियस के जेनेटिक कोडोन से किस तरह डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जनरली सिर्फ इतना कहेंगे कि जेनेटिक कोडोन जो या जेनेटिक कोड जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे देन द जेनेटिक कोड्स ऑफ न्यूक्लियस। इसके अंदर जो DNA होता है ये हम लोग अगर बात करें तो ये नॉर्मली 16,569 बेस पेयर से मिलकर बनता है, ठीक है जी। जो DNA के अंदर टोटल बेस पेयर की तादाद है वो कितनी है, 16,569 बेस पेयर होते हैं। और इनमें भी ज़्यादातर जो बेस पेयर होंगे वो GC होते हैं, यानी कि इट इज़ अ GC रिच बेस पेयर, ठीक है जी। और ये जो बेस पेयर होते हैं ये दो राइबोसोमल RNA बना सकते हैं, यानी कि इसके पास ये जो 16,569 बेस पेयर्स हैं इनकी अगर हम लोग बात करें तो इनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन में से दो राइबोसोमल RNA बनाने की इन्फॉर्मेशन होती है, 20 ट्रांसफर RNA बनाए जा सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन में, ठीक है जी। इस जेनेटिक कोड्स के पास या इस जो बेसिकली बेस पेयर है या DNA है ये 20 ट्रांसफर RNA बनवा सकता है, 22 सॉरी। और इसके अंदर 10 से लेके 30 किस्म की प्रोटीन बनाने तक की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। बैक्टीरिया जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर जो DNA मौजूद है ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट करवाता है उसमें 10 से लेके 30 तक डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन बन सकती है, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, ये 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आके फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। अब हम लोग चलते हैं जी एंजाइम्स के ऊपर, जो हमारी इस वीडियो लेक्चर का मेन टॉपिक था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स हैं, कुछ आउटर मेम्ब्रेन में हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया की
आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है वहाँ पे होंगे, कुछ इनर मेम्ब्रेन में होंगे और कुछ कहाँ पे होंगे जी, मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो हम लोग उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले आती है आउटर मेम्ब्रेन, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये नॉर्मली हमें स्मूथ नज़र आती है, और इसके अंदर हमने पीछे पढ़ लिया कि पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिसे हम लोग प्रियॉन्स का नाम दे रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स कितने हो सकते हैं। तो एंजाइम्स के लिए ऐसे अगर हम लोग बात करें तो इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उसमें हाइड्रोलेज एंजाइम है, ठीक है जी, उसके अंदर फैटी एसिड को एंजाइम है, लाइगेज है, देन उसके अंदर मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम है, ठीक है जी, कुछ काइनेज एंजाइम्स हैं, ठीक है जी, देन इसके अंदर हमारे पास जो आता है वो एन ए डी एच रिडक्टेज है, देन सी रिडक्टेज है, ठीक है जी, इसी तरह कुछ डाई न्यूक्लोसाइड फॉस्फेटेज है, ठीक है जी। तो ये हैं जी वो एंजाइम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। कौन कौन से हैं जी, हाइड्रोलेज एंजाइम्स हैं, फैटी एसिड लाइगेज कोएंजाइम लाइगेज है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है, काइनेज है, NADH रिडक्टेज है, C रिडक्टेज है, डाई न्यूक्लोसाइड फॉस्फेटेज है, इसके अलावा मिनेलोसाइड कोएंजाइम है, ठीक है जी, जो कि फैटी अल्फा ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान यूज़ होते हैं। इसके अलावा फैटी एसिड की ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है, ट्रांसफ़र के लिए एक्टिवेशन भी जो फैटी एसिड की होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, तो वो बाहर से फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाया जाता है, तो मेम्ब्रेन में चेंजेस आती हैं फैटी एसिड को एक्टिव करने के लिए, उन फैटी एसिड को एक्टिव करके जब अंदर लाना पड़ता है तो उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो भी आउटर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं स्पेस, बेसिकली ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान खाली जगह, इसे हम लोग स्पेस का नाम दे रहे हैं, ठीक है, इसे माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहेंगे, इसे प्री इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं, कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उससे पहले है। तो इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, नॉर्मली दो तरह के एंजाइम इसके अंदर हमें दिखते हैं, कौन कौन सा है, पहला है जी एडीनाइलेट काइनेज, ठीक है जी, इसके अंदर कौन सा एंजाइम है, एडीनाइलेट काइनेज एंजाइम, देन दूसरा जो होता है वो है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है जी, ये दो एंजाइम्स होते हैं जो एडीनाइलेट काइनेज है, ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर मोबाइल मैकेनिज्म के अंदर यूज होता है। हार्मोन्स के दो मैकेनिज्म होते हैं काम करने के, एक होता है फिक्स्ड मेम्ब्रेन मैकेनिज्म और एक होता है रिसेप्टर मोबाइल मैकेनिज्म, तो उसके अंदर ये काम करता है। और एटीपी सिंथेसिस, जैसा कि नाम से जाहिर है सिंथेटेज, ये बनाएगा, ये सिंथेसिस करेगा किसकी, एटीपी की, ठीक है। देन अब हम लोग चलते हैं इनर मेम्ब्रेन की तरफ, के माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है अंदर वाली जो कन्वोलेटेड है, जो क्रिस्टा बनाती है, इसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो उस लिहाज से इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे, ठीक है जी, इसके अंदर एटीपी सिंथेटेज होगा, इसके अंदर साइटोक्रोम A3BC होगा, ठीक है जी, इसके अलावा क्रैब साइकिल के कुछ एंजाइम, ठीक है जी, सारे नहीं, क्रैब साइकिल के कुछ एंजाइम जिसके अंदर आ सकते हैं, जैसा कि माल्टेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है जी, माल्टेट डीहाइड्रोजिनेज वो इसके अंदर आ सकता है। अब मैट्रिक्स के एंजाइम्स की तरफ चलते हैं, जो कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन से ज़्यादा होते हैं, कि मैट्रिक्स जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये जो इनर क्रिस्टा ने जिस एरिया को कवर किया है, इसके अंदर ये जो इलाका है
ठीक है जी। इस इलाके को हम लोग मैट्रिक्स का नाम दे रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसके अंदर कितनी तरह के एंजाइम्स हो सकते हैं अब हम वो देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रैब साइकिल इसके मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है। इसके अलावा फैटी एसिड की जो ब्रेकडाउन होती है वो भी यहाँ पे हो रही होती है। फैटी एसिड को तोड़ के एसिटाइल कोएंजाइम में बदला जा रहा होता है। तो वो सारा कुछ क्योंकि मैट्रिक्स में हो रहा होता है, लिहाजा मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से एंजाइम है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्रैब साइकिल के लिहाज से देखते हैं, इसके अंदर सिट्रेट, सेंथिटेज, ठीक है जी, देन इसके अंदर आइसो सिट्रेट सेंथिटेज एंजाइम, फिर अल्फा कीटो डीहाइड्रोजिनेज, देन इसके अंदर फ्यूमारेज, देन इसके अंदर सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है जी, जीटीपी, एनएडी, एफएडी, ठीक है जी। ये वो एंजाइम्स हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। नॉर्मली क्रैब साइकिल्स के एंजाइम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसके एंजाइम्स भी इसके अंदर होते हैं। अब हम लोग चलते हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके अलावा एक और एंजाइम यहाँ पे हम लोग बताते चलें कि जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है, ठीक है जी, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो ग्लाइऑक्सिसोम में चलता है उनके कुछ एंजाइम्स की जो रीसाइकिलिंग, आप ये कह लें कि साइटोप्लाज्म से एंजाइम जाता है, इसके अंदर आके वो एंजाइम दोबारा बनता है और फिर वापस साइटोप्लाज्म में चला जाता है, वहाँ से ग्लाइऑक्सिसोम के पास जाता है और ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलता है। तो उसके कुछ एंजाइम्स की यहाँ पे आप ये कह सकते हैं रीसाइकिलिंग या उनकी रिपेयरिंग भी इसी समय हो रही होती है। अब हम लोग चलते हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की तरफ। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है वो सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो है एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया का जो सबसे बड़ा काम है वो क्या जी, एटीपी फॉर्मेशन, क्योंकि ये एनर्जी बना रहा होता है। इसी वजह से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ अ सेल भी कहते हैं कि एक सेल का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया। तो एटीपी वो कैसे बनाता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, कौन सी रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन यूज होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन यूज होगी वो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। इस प्रोसेस के अंदर चार हिस्से होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, देन उसके बाद पाइरूवेट ऑक्सीडेशन, देन उसके बाद क्रैब साइकिल, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसे इन चार हिस्सों में डिवाइड हम लोग करते हैं। इसमें से ये जो दो रिएक्शंस होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होते हैं, क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इनर मेम्ब्रेन में। इसी वजह से जो रेस्पिरेटरी एंजाइम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो साइटोक्रोम्स हैं वो हमें इनर मेम्ब्रेन के अंदर मिले थे, और क्योंकि ये रिएक्शन वहाँ पर हो रहा होता है। अब इसके बाद जो इसका दूसरा काम है वो है जी ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, और इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक है अल्फा ऑक्सीडेशन और दूसरी है बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। अल्फा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन ये दोनों प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं, जिसमें क्या होता है फैटी एसिड की जो लंबी चेन्स हैं उन्हें एसिटाइल को ए के अंदर ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है, वो प्रोसेस, ताकि बाद में उससे एनर्जी मिले। क्यों, इन दोनों प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो या क्रैब साइकिल हमें एनएडीएच, और क्रैब साइकिल के लिए ऐसे एफएडीएच ये मिलते हैं,
और जब इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गुजारा जाता है तो हमें एटीपी मिलता है, जो कि बेसिकली एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जिससे हम लोग सारे काम हमारी बॉडी करती है। हम लोग चलते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, हमारे डाइजेशन के प्रोसेस हो रहे हैं, हमारा ब्रेन काम कर रहा है, हमारा हार्ट जो है वो पंप कर रहा है। तो इन शॉर्ट वर्ड जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं, ठीक है जी, ए टू जी, वो सारे के लिए एटीपी चाहिए, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया बना रही होती है। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होता है, नेक्स्ट जनरेशन में, वो माइटोकॉन्ड्रिया मदर से आता है। ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली फर्टिलाइजेशन के दौरान जब स्पर्म और एग मिलते हैं, ठीक है जी, तो एक जायगोट बनता है, जो बाद में आफ्टर द 3 मंथ फीटस कहलाता है। देन उसके बाद 9th मंथ के बाद एज ह्यूमन उसकी डिलीवरी होती है और वो एक बेबी में बेबी होता है, जो कि एक अपने जो नॉर्मली प्रोसेस है वो करेगा। तो उस बेबी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्पर्म से नहीं बल्कि एग से आता है, और एग क्योंकि मदर की बॉडी में होता है, लिहाजा बेबी चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मदर से है। तो लिहाजा ऐसा बच्चा जिसकी मदर, उसका मसला हो कि बच्चा किसी वजह से उसकी माँ का पता नहीं चल रहा, उसकी मदर का नहीं, तो अगर हमारे पास कोई विक्टिम है, कोई सस्पेक्ट है कि शायद ये उसकी माँ हो सकती है, तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और इस बेबी के माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को मैच करने की कोशिश की जाएगी। अगर वो मैच हुआ तो ये उसी का होगा, और अगर मैच नहीं होता तो ये किसी दूसरी का हो सकता है, उस फीमेल का नहीं हो सकता। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो बच्चे के अंदर आता है या जो इंसान के अंदर आता है वो मदर से आता है। रेयर कंडीशंस में ये फादर से भी आ सकता है, क्योंकि जब स्पर्म जुड़ता है तो 500 से 1000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं स्पर्म के अंदर, वो भी आते हैं, लेकिन उसे डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है, उन्हें तोड़ दिया जाता है। रेयर कंडीशंस में वो भी जाते हैं। ठीक है जी, तो ये है जी आज का हमारा टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स के मतलब। इसके मतलब अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह।